हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है Realme 7 Pro के एक नए अपडेट के वीडियो में। तो गाइज, यहां पर काफी दिनों के बाद फाइनली जो Realme 7 Pro है उसमें एक न्यू अपडेट आया है। गाइज, यहां पर जो अपडेट है वो आपको Realme UI 2.0 में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको Android 11 के साथ देखने को मिल जाता है। और जो अपडेट है वो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं 25 फरवरी 2021 में देखने को मिला है। ये जो अपडेट का नाम है वो आपको C16 देखने को मिल जाता है, यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जो अपडेट की साइज है वो करीब करीब गाइस यहां पर आपको 700 MB के आसपास है वो देखने को मिल जाती है। तो गाइस, इस अपडेट को हम डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं काफी सारे बग्स का जो फिक्स है वो देखने को मिला हुआ है। दिस रिलीज ऑप्टिमाइज द पावर कंजप्शन एंड फिक्स सम इश्यूज। तो गाइस, यहां पर जो अपना बैटरी लाइफ है वो काफी इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं जो अपडेट में आपको सिस्टम में देखने को मिल जाता है, जो कि वो आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम स्टेबिलिटी में। ऐसे हर बार की तरह आपको सिस्टम स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर कैमरे में भी काफी फिक्स किया गया है, जैसे कि गाइस यहाँ पर 64 MP प्रो मोड का ऑप्शन था उसमें गाइस यहाँ पर आपको फ्रीजिंग का इश्यू देखने को मिलता था, जो कि काफी यूजर्स ने भी हमको बताया था, बट हम उस पर वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो फाइनली उसका भी फिक्स हमारे सामने आ चुका है। इसके बाद गाइस यहाँ पर सेटिंग में न्यू अपडेट आया, जिसमें ऑप्टिमाइज किया गया है साउंड एंड वाइब्रेशन को, जिसमें गाइस काफी सारे यूजर्स ने कमेंट या रिपोर्ट किया था, तो उसको फिक्स किया गया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ डिस्प्ले में इश्यू फिक्स किया गया है। इसके बाद डॉल्बी एटोमस में भी डार्क मोड में फिक्सेस किया गया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी न्यू अपडेट हमको देखने को नहीं मिलता है। सिंपल सा गाइस यहाँ पर नंबर्स ऑफ बग्स को फिक्स किया गया है। अब बात करते हैं इस अपडेट को हम डाउनलोड करके क्या हमको कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पर गाइस काफी यूजर्स को अभी तक Realme UI 2.0 को देखने को नहीं मिला है, तो उसको भी गाइस मार्च तक वेट करना ही पड़ेगा। जब तक गाइस अपडेट नहीं आता है तब तक इसको आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा गाइस यहाँ पर अपडेटिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं गाइस यहाँ पर अपडेट और डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या कुछ नया देखने को मिला है। फाइनली गाइज यहाँ पर Realme UI 2.0 का जो लेटेस्ट अपडेट है 25 फरवरी का CS16 वो हमारे Realme 7 Pro में इंस्टॉल हो चुका है। गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा Realme 7 Pro है उसमें Android 11 का जो लेटेस्ट बीटा अपडेट है वो इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें गाइज किसी भी तरह का बग्स अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा वर्जन अप टू डेट 25 फरवरी 2021, जो कि आपको CS16 का देखने को मिल जाता है। करीब गए 700 MB के आसपास जो अपडेट की साइज है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें काफ़ी सारा बग्स को फिक्स किया गया है, जो कि मैंने आपको आगे बता दिया है कि कौन कौन सा बग्स यहां पर फिक्स किया गया है। हालांकि गाइस यहां पर कोई भी मुझे मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि गाइस ये मेरा प्राइमरी सोर्स नहीं है, इसलिए मुझे इतना पता नहीं चला कि क्या कुछ यहां पर हमको देखने को मिला है। गाइस यहां पर बताया गया कि 64 MP कैमरे में कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है, जो कि अगर आप डेली यूज करते हैं तो ही आपको मालूम चलेगा क्या फिक्सिस हुआ है। अगर आप में से कोई यूजर को पता चला है कि इस अपडेट में क्या और कौन सा बग्स फिक्स किया गया है, एज वेल एज गाइस कौन सा बग्स यहां पर न्यू आया है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उसका कमेंट का पिन जरूर कर दूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि Realme 7 Pro और काफी सारे डिवाइस में जो लेटेस्ट अपडेट है 25 फरवरी का वो आ चुका है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अपने सिस्टम अपडेट में और चेक कर लिए आपको अपडेट मिला है या नहीं। अगर मिल गया है तो डाउनलोड कर लो, नहीं मिला है तो वेट करो, जल्द से जल्द आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।